आदरणीय प्रबल प्रताप जी, वनवासी कल्याण आश्रम के सभी पदाधिकारी गण और उपस्थित सभी नगरवासी, ग्रामवासी, भारतवासी, बंधु भगिनी, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं। आजकल तो मैं नागपुर में हूं, लेकिन मैं रहने वाला जहां का हूं वो वनवासी जिला है, चंद्रपुर है। और बचपन में तो बहुत ज्यादा शहर और वनवासी, ग्रामीण ये भेद नहीं था, बहुत आना जाना चलता था। इसलिए जब आप लोगों के बीच आता हूं तो मैं अपने घर आया हूं ऐसा मुझे लगता है, बचपन के सुमधुर जीवन में फिर से आया हूं ऐसा लगता है। और संयोग की बात ऐसी है कि ये आने का जो योग बना वो कोई बहुत विचार करके तय नहीं हुआ, ऐसे ही तय हो गया। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा का जन्मदिन और स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी जुड़देव जी की प्रतिभा का आनावरण, ये दोनों बहुत जुड़ी हुई बातें या इस संयोग में जुड़ गई, क्योंकि दिलीप सिंह जी को मैं भी जानता हूं, चार पांच बार मिला हूं, कार्यक्रमों में दो बार उनके साथ रहा हूं। एक वीर प्रकृति के व्यक्ति, निर्मय, और ज्ञान, संपत्ति, सत्ता सब कुछ होने के बाद भी अतिशय विनम्र रहने वाले, ये होने के बाद भी मन का अपनेपन जो नहीं भूले और जनजातीय समाज के गौरव के लिए जो सदा खड़े रहे, ऐसा मैंने उनको देखा। इस काम को वो बड़ा पवित्र मानते थे। जीवन में जो कुछ बने वो उसका उपयोग इसके लिए किया उन्होंने, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं बनते तो भी वो इसके लिए परिश्रम करते रहते, क्योंकि अपने देश, धर्म, संस्कृति और देशवासियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। हम सबको अब प्रेम स्मरण है। भगवान बिरसा मुंडा को भी इसी प्रेम ने प्रेरित किया हम सब लोगों के लिए संघर्ष करने, क्योंकि ये जो गौरव है, आपका गौरव, जनजातीय गौरव, ये गौरव क्या है? गुरुवार जी ने बताया अपने पूर्वजों की परंपरा अपना गौरव, क्योंकि वो हमको बताती है हमको कैसे जीना है, वो हमको एक विरासत देती है वीरता की, पवित्रता की, आत्मीयता की, जीवन के संघर्ष में हम लड़ सकते हैं ऐसी हिम्मत देती है। गौरव अपना स्वधर्म है और धर्म के मामले में तो जनजातीय गौरव ही भारत का धर्म गौरव है। क्योंकि ये भारत का धर्म कहां से आया?
इतने सारे देवी देवता पूजा पद्धति अलग अलग होने के बाद भी सब लोगों का व्यवहार एक सा रहता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा कहते हैं। ये धर्म आया कहां से? ये धर्म खेतों में और जंगलों में से उपजा है। भारत के सभी धर्म भारत को यहां के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए। उस धर्म का गौरव जनजातीय धर्म गौरव जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। तपश्चर्या की बात भगवान जी ने आपको बताई, वो धर्म के चार पैर में से एक पैर है। आप जिस प्रकार सत्य के पीछे चलते हैं, जनजातीय समाज की प्रसिद्धि है, वहां झूठ नहीं होता, वहां अप्रामाणिकता नहीं होती। हमारे ग्रामीण इलाके में और हमारे जंगलों में कोई रास्ता भटक भी जाए, जब तक उसको मनुष्य और गांव जंगल में मिलते रहेंगे, वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। आज भी अनुभव आता है वहां जाने वाले लोगों को, वहां घूमने वाले लोगों को, ये करुणा कहां से आई? वो भी धर्म का एक अंग है। किसने दी? इसी जनजातीय समाज ने दी। हमारा धर्म सब में पवित्रता देखता है, क्योंकि वो स्वयं का अंतःकरण पवित्र है। वो नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में भगवान को देखता है, और इसलिए वो पर्यावरण का मित्र है, प्रेमी है, पर्यावरण का विकास करता है, अपनी उन्नति के लिए पर्यावरण को खराब नहीं करता। ये किसने सिखाया? सदैव जंगलों में पर्यावरण के साथ रहने वाले, पर्यावरण में अनेक बातों को देवी देवता मानने वाले हमारे जनजातीय बंधु ही। वो जनजातीय धर्म केवल जनजाति का नहीं, संपूर्ण भारत का गौरव है, और इसलिए प्रत्येक भारतवासी ने जनजातीय समाज की सुरक्षा, उनके गौरव की रक्षा, उनके गौरव की वृद्धि, इसके लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे दिलीप सिंह जूदेव जी खड़े रहते रहे। उनके जीवन से यह संदेश हमको लेना, और हमको इस गौरव से समझना है। एक बार इस गौरव को समझ गए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस गौरव को हम समझे, उसके आधार पर एक होकर खड़े रहे, सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म संस्कृति समाज के लिए। हमारे पास ये गौरव है, उसकी सारी दुनिया को जरूर है, उसके लिए भारतवर्ष को इस गौरव को धारण करके खड़ा होना है। उस गौरव का परिचय हम करें, हम उसे न भूलें, हम अपने सुला संस्कारों को न भूलें, हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूलें, क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रम भी निठल्ले हो जाते हैं। सीता जी को खोजने गए वानर वीर, दक्षिण में गए, हनुमान जी थे, जांबवान जी थे, अंगद थे, नल नील थे, एक से एक वीर थे, लेकिन समुद्र तक सीता जी मिली नहीं। अब समुद्र में आगे क्या है? कुछ नहीं, कौन जाएगा, कौन देखेगा, और वापिस भी नहीं जा सकते। काम बताया है, काम पूरा किए बिना कैसे वापिस जाएंगे? उन्होंने तो सोचा नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, राम नाम लेते लेते मर जाए। बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे, राम की कथा बताने लगे, तो आज संपाती नाम के एक गिद्ध थे, उनके पंख जल गए, क्योंकि संपाती और उनके छोटे भाई जटायु,
बचपन में उन्होंने सोचा, पराक्रमी लोग थे, बड़ी कल्पना करते थे, उनको लगा सूरज तक जाएंगे उड़ते हुए, और दोनों सूरज की तरफ गए। लेकिन सूरज का ताप महाभयंकर होता है, हम इतना दूर पृथ्वी पर है, हमको भी सहन नहीं होता। वो जैसे ही पास गए जलने लगे, तो जटायु अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, उसको अपने आगोश में लिया। तो संपाति के पंख जल गए, जटायु संपाति दोनों गिर गए। जटायु गिरते गिरते पंख थे इसलिए उड़ गया, दूर चला गया। संपाति वहां सागर किनारे दक्षिण में गिर। अब बिना पंख का गिद्ध उसको खाने को क्या मिलेगा? बहुत कठिन स्थिति थी। उन्होंने देखा कि यहां कुछ मानव बैठे हैं और खा कुछ नहीं रहे है, तो मरेंगे, मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए उनके पास चले गए मरने की राह उनके देखने के लिए। पास गए तो राम की कथा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना। तो जटायु का नाम सुना तो गए उनके पास, बोले आप जटायु का क्यों नाम ले रहे हैं? आप जटायु विद्ध की बात कर रहे हैं, वो तो मेरा छोटा भाई है, उसका समाचार क्या है आपके पास, बताइए हमको। तो समाचार क्या था? समाचार यही था कि सीता जी को बचाते समय रावण से युद्ध करते करते जटायु को वीरगति प्राप्त हो गई, शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए। वानर वीरों ने बताया तो कुछ शोक वगैरह जो करना किया, श्राद्ध किया जटायु का, और फिर वानर को कहा, हनुमान जी अंदर सबको कहा संपाति ने कि आपने मेरे भाई की खबर दी, मैं उसका श्राद्ध कर सका, इसलिए अब आपका कोई काम बताओ जो मैं कर सकूं। उड़ तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर कहीं भी जा सकती है, बड़ी तेज नजर है। तो राम भगवान ने कहा कि देखो भाई, सीता जी को खोजने निकले और यहां तक आए, मिली नहीं, एक रावण नाम का राक्षस उनको अपने विमान में बिठाकर ले गया, इसी दिशा में गया है, वो आगे कहीं गया हो तो कहा है बताओ। तो संपाति ने अपनी नजर सागर पार गड़ाकर बताया कि है उस रावण की लंका है 100 योजन दूर, उस लंका की राजधानी है, उस राजधानी के पास एक अशोक वन है, वहां एक शीशम के वृक्ष के नीचे वो बैठी है सीता जी, मैं देख रहा हूं। तो पता चल गया सीता जी का, सबको आनंद हो गया, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता कहीं सुनी तो विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा संपाति ने देखा लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो देखने जाना पड़ेगा 100 योजन, कौन जाएगा? अंदर से कहा मैं जाता हूं। सबने कहा नहीं, तुम राजकुमार हो, राजा को आगे करके लड़ाई नहीं करते, लड़ने वाले आगे जाते हैं, राजा को पीछे, तो तुम नहीं जाओगे। जामे वाला कहा मैं जा सकता था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा विश्वास नहीं। नल ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन मेरी वापस आने की ताकत नहीं रही। नील ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन बीच में एक फाट चाहिए, अब समुद्र में कहा फाट बना। तो सब लोग खोजने लगे हनुमान जी को, हनुमान जी मुंडी नीचे करके एक पेड़ के नीचे बैठे। तो जामुआ जी ने कहा अरे भाई राम का काम है, तुम क्यों वैसे बैठे? हनुमान जी का मैं क्या कर सकता हूं, आप बहुत सीनियर लोग हो सब, एक से एक आप नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। तो जामुआ जी को ध्यान में आया कि ये तो अपने आप को भूल गया, इसको अपना गौरव पता नहीं। तो जामुआ जी ने हनुमान जी को उन्हीं की कथा सुना कि कैसे तुम बचपन में ताकतवर थे, जन्मते ही तुमको लगा आसमान में कोई फल है, सेब है, सूर्य को देखा तुमने और तुम चल पड़े सूर्य की ओर, उसको पकड़ के निगलने लगे, सूर्य डर गया, चिल्लाने लगा, तो सेनाएं आई देवों की, लड़ाई हुई, सबको तुमने मार के पछाड़ा, तो इंद्र ने अपना वज्र चलाया, तुम बेहोश होकर धरती पर गिर गए, तो तुम्हारे पिताजी वायुदेव वो गुस्सा हो गए, उन्होंने चलना बंद कर दिया, तो सबकी हवा टाइट हो गई,
हवा बंद हो गई। तो सब वाइटों को पसंद करने के लिए उन्होंने तुमको फिर से होश में लाया और सब देवों ने अपनी अपनी शक्ति तुमको दे दी, तो तुम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। इस शक्ति के कारण थोड़ा उपद्रव करते थे, इसलिए ऋषियों ने तुमको कहा कि जब तक राम का काम नहीं आता तुम इसको भूल जाओ, इसलिए तुम बोल गए। अब राम का काम आया है, जागो। तो हनुमान जी को जब याद आया अपना गौरव अपना परिचय, तो याद करने से ही पहाड़ जैसे बन गए और फिर एक ही छलांग में लंका में पहुंच गए। रास्ते में मैनाक को नीचे बिठा दिया, सुरमा के जबड़े में से निकल आए, सीता को मार दिया, लंकिनी को बांध दिया। लंका में जाके सीता जी को खोज लिया, राम का संदेश उनको दे दिया, अशोक वन को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, रावण के दरबार में जाकर राम का खरा खरा संदेश सुनाया और लंका दहन करके रावण और राक्षसों के मन में राम जी की धाक बिठा के वापस। हमारा भी गौरव है और जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जनजातीय सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल है। भारतवर्ष का मूल कृषि और वनों में है, वहां से उपजी हुई यह संस्कृति है, उस संस्कृति की दुनिया को आवश्यकता है। यह भगवान का काम है, भगवान का काम उपस्थित हुआ है, अब हमको जागना है, अपने गौरव का स्मरण करना है, उस गौरव पर पक्का रहना है, अपने देश धर्म संस्कृति समाज इसका गौरव मन में रखते उन पर पक्का रखना है, पक्का रहना है। वो अपना मूल है, उससे कटना नहीं है। हमको हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले दुनिया में भले ही होंगे, लेकिन हम मजबूत हैं तो क्या बात। एक खरगोश था जंगल में, सो रहा था सांप के पेड़ के नीचे। दोपहर की बात, पास में ताड़ का पेड़ था, तो ताड़ का पेड़ उसके पत्ते सूखे हुए थे, खड़कते नीचे जाके आवाज होती है, ऐसा एक सूखा पत्ता खड़का, आवाज हो गई, खरगोश खड़बड़ा के जागा, डर से भागा, झुरमुट में छुपके देखता है तो क्या हुआ, एक पत्ता काटा। उसको बड़ी दया हुई, ग्लानी भी हुई। उसने भगवान को कहा, भगवान क्या तुमने मुझे बताया, इतना छोटा नाजुक बताया, सूखा पत्ता खड़का तो भी मेरी नींद उखड़ जाती है, अरे कम से कम मुझे हाथी जैसा मोटा तो बनाता, मैं किसी को नहीं डरता। तो भगवान सबकी सुनता है, उसकी भी सुन रहा था, भगवान ने कह दिया तो खास, तो बन गया हाथी जितना मोटा, बड़ा आनंद हो गया, अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, चलो नहा लेंगे। गया पोखर के हो, पोखर के तीर पर मेंढक थे, उन्होंने देखा ये कौन सा नया है भाई, दिखता तो खरगोश जैसा लेकिन है तो हाथी जितना। वो भागने लगे तो उसने पुकारा, रहे डरो मत डरो मत, मैं वही खरगोश रोज वाला, मैं हाथी जितना बन गया हूं, तुमको कुछ नहीं करूंगा। उनका अच्छा, लेकिन तुम हमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पानी में मत जाओ, वहां एक मगरमच्छ है, वो पानी में तो हाथी को भी भारी है, तो तुमको खा लेगा। तो डर के मारे वापस आए उल्टे पैर, अपनी जगह जाकर रोने लगा, भगवान क्या फायदा इतना बड़ा शरीर दिया, वो मगरमच्छ कम से कम उसकी जैसी ताकत और काटे तो देता। भगवान ने फिर कहा था मोटी मोटी खाल उस पर काटे, आगे ताकत भी आ गई, उसको लगा चलो अच्छा हो गया, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। बाहर आया तो शेर की गर्जना सुनाई दी, शेर की आवाज सुनाई दी, स्वभाव से तो खरगोश ही था, तुम अब गया, फिर से रोने लगा, हे भगवान कम से कम उसके जैसे आवाज तो देता, किसी का आवाज से डरने की। भगवान ने तथास्तु को कह दिया, आवाज भी आ गई शेर जैसी, फिर निकला तो देखा कि जंगल के सारे जानवर भाग रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, सियाल भाग रहे हैं, बंदर भाग रहे हैं, अरे क्यों भाग रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले बचना है तो तुम भी भागो,
हाथियों का झुंड आ रहा है, रास्ते में जो कुछ है उससे रोन रहा है, बच नहीं पाओगे, बीच में आ जाओगे। फिर भागने लगा, छूट गया, फिर रोने लगा, भगवान ये क्या मजाक कर रहा है, मुझे हमेशा कुछ देता है और मेरा डर नहीं जाता। तो भगवान ने उसको कहा कि अरे मोह, ये सब बड़ा आकार और कांटे गर्दन है, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम्हारे खरगोश जैसे शरीर में एक स्वगौरव से भरा, स्वाभिमान से युक्त, बलशाली, निर्भय दिल मान लेते, हृदय मान लेते तो तुमको डरने की जरूरत ही नहीं रही। हम लोगों को भी इसको नहीं सोचना है, हम क्या है कैसे, हम जो भी है सारी दुनिया को भारी है, क्योंकि हमारे पास अपना गौरव है, अपना धर्म है, अपना स्वाभिमान है, और दिलीप सिंह जी जैसी निर्भयता भी हमारे पास है। दिलीप सिंह जी और बिरसा मुंडा जैसे आदर्श हमारे पास है, उन्होंने हमको बताया है जीना कैसे, हम वैसा जिएंगे और अपना स्थान दुनिया में प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि मुझे ये जो सहयोग मिला है, मैंने भाषण तो आपको दिया, लेकिन ये केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मैंने इतनी बड़ी संख्या में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए आपको देखा, क्या स्वर्गीय दिलीप सिंह जी उदय जी का स्मरण हुआ, क्या भगवान बिरसा की प्रतिमा पर मैंने माल्यार्पण किया, तो ये सारी बातें मेरे मन में आई, और जो मुझे उससे लगा, उसका जो निष्कर्ष मुझे मिला, वो मैंने आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया है, उसका विचार करें, और आप विचार करेंगे तो ठीक ही करेंगे, उस विचार के अनुसार अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के पीछे, अपने धर्म संस्कृति समाज और अपने देश के लिए हम सब लोग स्वाभिमानी निर्भय होकर चलते रहे, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूँ, और आपको फिर से कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करके मेरे चार शब्द समाप्त हैं। जनजाति गौरव दिन है के, हमर मन गौरव दिन है के,